significant digits. जिस तरह से कि आपने scientific notation में ये method सीखा है कि कोई बहुत ही बड़ी quantity या बहुत छोटी सी quantity को आप जो है इस तरह से convert करते हैं scientific notation में कि वो easily readable और easily आपको याद हो सके, यानी कि इस तरह से उसको convert करते थे कि वो आसानी से पढ़ी भी जा सके और आसानी से याद भी हो सके. जैसे कि आपको याद होगा कि speed of sound जो है, speed of sound 300,000 किलोमीटर है, जिसे हम लोग जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड कह लेते हैं. और इसे कन्वर्ट करने का तरीका आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में अच्छी तरह से सीख चुके हैं. अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोगों ने साइंटिफिक सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में देखना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से डिजिट्स होती हैं. लेट्स से कि अगर आपके पास कोई एक नंबर इस तरह से गिवन है कि ये 12.7 है और कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताई जाए, मतलब कि आपसे ये कहता है कि मुझे बताया जाए कि इस पूरी की पूरी डिजिट्स में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आते हैं, तो आप उसे कहेंगे कि इसमें 1, 2, 3 आते हैं. मींस कि ये पॉइंट जो 2 और 7 के दरमियान है ये मैटर नहीं करता. आप कहीं भी पॉइंट लगाओ, 1 के बाद पॉइंट हो, 2 के बाद पॉइंट हो, किसी भी वैल्यू के बाद पॉइंट हो, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में वो सारी की सारी वैल्यू शामिल होती हैं. आप कहेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो हैं वो 3 हैं. सिमिलरली अगर कोई आपसे ये कहता है कि अगर आपके किसी टेस्ट में आपके मार्क्स आते हैं और 20 में से लग से कि 20 में से आपके पास 17.5 आ गए हैं, तो अभी जो 17.5 है आप इसे आसानी से बता सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट जो हैं वो 3 हैं. सिमिलरली अगर आपके पास इस तरह से एक और केस आ जाए, लेट्स से कि आपके पास 1555 63.278 इतना बड़ा डिजिट आ रहा है और यहाँ पर पॉइंट है, तो अब भी आप इस पॉइंट को निगलेक्ट नहीं करेंगे. आप यही कहेंगे कि 3 और 3 आपके पास 6 हो गया और ये 9, तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 9 हैं. बस प्रॉब्लम जो है वो 0 के केस में आती है. अगर तो सिग्निफिकेंट डिजिट में 0 इस साइड पर है, 0.1253, लेट्स से ये एक आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इस सिचुएशन में आप ये कहेंगे कि अब आपके पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनकी जो तादाद है वो आपके पास 4 आ जाती है. यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो 4 आ जाती है. इसके अलावा अगर आपके पास इस साइड में आ जाते, यानी कि इस तरह से आ जाते आपके पास 1.25000, इस तरह से अगर आपके पास 0 आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर ही इंक्लूड होते हैं. इसे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आप कहेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 6 है. अब अगर आप इसी चीज़ को देखेंगे जो मैंने एग्जाम्पल अभी आपको दी है, अगर मैं इसे दोबारा यहाँ पर लिखूँ 0.1253, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे 4 क्यों कह दिया, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को यहाँ पर 4 क्यों कह दिया. अगर मेरे पास इस तरह से कोई केस आ जाता कि 1, 2, 5, 3.0, तो क्या तब भी मैं इसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहती. अब इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा केस डिफरेंट हो गया. आप देखेंगे हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी है, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर आना चाहिए था, तो जब मैं इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करूँगी तो यहाँ पर 1.253 आ जाएगा, और चूँकि डेसिमल यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो मुझे 10⁻⁻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 ⁻
देंगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है कि पॉइंट कहीं भी हो, यहाँ पर हो या दरमियान में हो, टू डिजिट के बाद हो, थ्री के बाद हो, फोर के बाद हो, कितनी भी डिजिट के बाद हो, पॉइंट से पहले और पॉइंट से बाद वाली जो सारी की सारी डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही आ जाती हैं। और इसके अलावा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में जो साइंटिफिक नोटेशन के, अगर ये कोई साइंटिफिक नोटेशन आपके पास लिखी है, तो 10^2 से पहले जितने भी आपके पास डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे, सिवाय साइंटिफिक नोटेशन के। इस 10^10 से पहले जितने भी आपके पास हिंसे आएंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। अगर इस सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ से मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए था, तो 1.253 पॉइंट्स यहाँ, पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आया तो 10^3 आ गया।
अब ये चीज़ जो है ये सिग्निफिकेंट डिजिट में शामिल होगी और ये चीज़ नहीं, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल है कि साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी चीज़ अगर लिखी गई है तो 10 की पावर से पहले जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी वो सब की सब सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर इंक्लूड होंगी। तो इस तरीके से ये जो आपके पास हिस्सा है 4 डिजिट, ये सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर आ जाता है। अब इसके अलावा 0 का राइट और लेफ्ट वाला मसला तो सॉल्व हो गया। लेट्स से कि आपके पास एक और एग्जांपल है, इस तरह से आ जाती है, आपके पास 800 किलोमीटर है, 800 kg है। अगर आपको इसे सिग्निफिकेंट डिजिट में रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से अगर कोई आपके पास चीज़ गिवन है तो ये इसको सिग्निफिकेंट डिजिट में करने के लिए आपको लीस्ट काउंट का भी पता होना चाहिए। मींस कि इस तरह के अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है तो वो वैल्यू अपने लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगी। लीस्ट काउंट पे किस तरीके से डिपेंड करेगी? लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूँ 8 × 10, 8 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ इस जगह, तब 8.0 × 10⁻³ आ जाएगा, क्योंकि 3 decimals मूव किए मैंने। अब ये वाली चीज़ जो है मेरे पास 8.0 × 10⁻³ kg आ जाएगी। अब इसके अंदर जो है, अब इस सिचुएशन में मैं ये कहूँगी कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 10 की पावर से पहले पहले 2 हैं, तो इसे मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 2 हैं, जबकि लीस्ट काउंट जो है वो 100 kg है। इस पूरी की पूरी वैल्यू के लिए अगर 100 kg लीस्ट काउंट हो तो उस सिचुएशन में जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 होंगे। अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर लूँ कि 8.00 × 10⁻³ kg, तो अब इसके सिग्निफिकेंट डिजिट जो हैं वो 3 हो जाएंगे और इस वक्त इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 100 kg होगा। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ 8 × 10⁻⁸, इस तरह से लिखूँ कि 8.00 × 10⁻³ kg, तो इस सिचुएशन में इसके जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 4 हैं, जबकि लीस्ट काउंट जो है वो 1 kg होगा। इस सिचुएशन में 1 kg इसका लीस्ट काउंट होगा। तो मींस अगर इस तरह से अगर आपके पास कोई चीज़ आती है तो उस पर लीस्ट काउंट भी डिपेंड करता है कि कितना लीस्ट काउंट लिया गया है। जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड की अगर बात की जाए तो स्पीड ऑफ साउंड में हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड रखा गया होगा, तभी इसे 3 × 10⁻¹ रखा गया होगा। उस सिचुएशन में हमारे पास इसका जो लीस्ट काउंट है वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में रखा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 3 0 थे, तो उसके हिसाब से जब मैंने यहाँ पर 1 0 लगाया तो मुझे जो लीस्ट काउंट है वो 100 kg मिला। जब 2 0 साथ रखे तो लीस्ट काउंट 10 मिला। इसी तरह जब यहाँ पर 3 रखे तो लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिल गया। जैसे कि अगर आप स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर इसका इस सिचुएशन में रखकर मैं लीस्ट काउंट बताऊं तो मेरे ख्याल से तो वो लीस्ट काउंट ये होना चाहिए कि जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3.00 फिर 0000, क्योंकि ये 300,000 kg है, किलोमीटर है, इस तरीके से कि 300,000 किलोमीटर होती है। किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाती है कि 300 फिर 1000 और उसके बाद किलोमीटर को जब हम मीटर में करते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाती है। अगर अब इस सिचुएशन में ये इस तरह से है, डेसिमल को मैंने यहाँ से जो है यहाँ पर शिफ्ट किया तो यहाँ पर 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाता है। अगर अब मैं सिर्फ ये लिखूँ कि 3.0 कर लूँ × 10⁸ रखूँ मीटर पर सेकेंड और इस सिचुएशन में मुझे ये बताना हो कि इसकी जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 2 हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में जो लीस्ट काउंट होगा वो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 है। मींस के 7 टाइम्स जो है 1 के साथ 7 टाइम जो है 0 लगा दिया जाए, ये 7 टाइम अगर 0 लगा दिया जाए तो इतना मीटर पर सेकेंड इसके अंदर उस सिचुएशन में लीस्ट काउंट होगा। तो यानी कि किसी भी सिचुएशन में आप किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट को लिखें तो ये डिपेंड करता है उसके लीस्ट काउंट पे कि उस वक्त उसका लीस्ट काउंट जो है वो क्या है, और लीस्ट काउंट डिपेंड करता है 0 के केस में। इसके अलावा अगर 0 किसी डिजिट के अंदर आ जाए, जैसे कि अगर इस तरह का कोई केस हो, लेट्स से कि आपके पास कोई केस है
2.00576. तो इस सिचुएशन में जो है आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 3 × 3 = 6 आ जाती हैं, क्योंकि अब जो ज़ीरो है इस पूरी की पूरी क्वांटिटी के अंदर आ जाता है। मसला सिर्फ उस वक्त पड़ता है जब ज़ीरो या तो एक्सट्रीम राइट पर हो या एक्सट्रीम लेफ्ट पर हो या पॉइंट के बाद हो या पॉइंट से पहले हो, तो उस सिचुएशन में हम जो है उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद हम जितने ज़ीरो पॉइंट के बाद लगाना चाहें उस हिसाब से जो है हम इसका लिस्ट काउंट डिसाइड करके लिस्ट काउंट पे डिपेंड करते हुए हम उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद बताते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में था कि किस तरह से सिग्निफिकेंट डिजिट्स वगैरह निकाली जाती हैं। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं उससे हमें एक और फ़ायदा ये भी होता है कि लेट्स से अगर आपके पास कोई वैल्यू है 43.75 तो इसे आप राउंड कर सकते हैं, इसे आप राउंड एस कर सकते हैं इस तरीके से कि ये लिखी जा सकती है 43.8। अगर तो पॉइंट के बाद यहाँ पर ऑड नंबर हो तो हम ऑड नंबर में से वन नंबर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में ऐड कर देते हैं और आगे वाले हिस्से को जो है हम लोग इस तरह से करते हैं, एक मिनट, इस तरह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसे हम इस तरह से करते हैं कि जैसे कि 43 है ना, 43 के बाद 0.76 इस तरह से वैल्यूज़ आती चली जा रही हैं और आप इस पूरी वैल्यू को नहीं लिखना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू से आगे वाली वैल्यू को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 है, अब 5 जो है ओड नंबर है, तो अगर ये ओड है तो यहाँ पर आप एक ऐड कर लेंगे तो ये 8 बन जाएगी, तो इसे आप 43.8 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई इस तरह से हो, लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर इस तरह से आ रहा है कि 73.6 है, तो इसे आप किस तरह से राउंड कर सकते हैं, इसे भी आप इस तरह से राउंड कर सकते हैं कि इसे आप लिख सकते हैं कि ये 73.7 है, चूँकि अब भी यहाँ पर ओड है तो ओड से आप यहाँ पर इन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई इस तरह से डिजिट है कि यहाँ पर 64 आपके पास आ जाता है 37, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 64.4 आ जाएगा, क्योंकि ये ओड है और यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इवन आ जाए, जैसे कि यहाँ पर 68.38 आ जाए, तो इसे आप 68.3 ही लिख सकते हैं। इसमें इस कंडीशन में आप इसमें ऐड नहीं करते, जब इवन आ जाए तो इवन के केस में हम लोग ऐड नहीं करते, अगर यहाँ पर ओड हो तो ओड के केस में जो है हम लोग एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, और अगर इवन हो तो इवन के केस में हम लोग जो है वो ऐड नहीं करते, हम एज इट इज़ रहने देते हैं। और ऐड भी उस सिचुएशन में करते हैं जब यहाँ पर 5 हो, मीन्स ये 5 या 5 से कोई बड़ी डिजिट आ जाती। अगर ये पॉइंट के बाद किसी वैल्यू को, यानी कि पॉइंट के बाद आप सिर्फ 7 तक रहना चाहते थे, तो 7 से आगे आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि जो वैल्यू आगे लिखी है वो 5 या ग्रेटर देन 5 हो, दूसरी चीज़ ये कि वो अगर तो ओड है तो ओड होने के सिचुएशन में आपके पास यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो जाएगी, यानी कि अगर ये 7 है तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर 5 की जगह 6 होता तो यहाँ पर एडिशन नहीं होनी थी, 7 ही रहना था, उसके बाद आगे एलिमिनेट कर सकते थे। अगर यहाँ पर जैसे कि इस सिचुएशन में 38 है, 85 से ग्रेटर है, यहाँ पर इवन है, तो मुझे यहाँ से यहाँ पर ऐड करना चाहिए था, लेकिन अब जो 8 है वो इवन है तो मैं इवन की वजह से 3 में ऐड नहीं कर पा रही। लेकिन अगर यहाँ पर 9 होता तो 9 भी ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 होने की वजह से मैं इसमें एक ऐड करके इसे यहाँ पे जैसे कि 68.39 होता तो मैं इसे 68.4 कर सकती थी, क्योंकि अब ये 5 से ग्रेटर है और ओड है, तो ओड के केस में यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो जानी थी। तो इस तरह से जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो हमें ना सिर्फ डिजिट के बारे में बताती हैं बल्कि डिजिट्स को किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं इसके बारे में भी हमें बताती है। तो होप्स आपको समझ आ चुका होगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं।